भगवान शिव तुरंत और तत्काल प्रसन्न होने वाले देवता है, इसलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है। आइए जानते हैं भगवान शिव को प्रिय 11 ऐसी सामग्री जो अर्पित करने से भोलेनाथ हर मनोकामना पूरी करते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल है। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की उष्णता को शांत करके शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व है। भगवान के तीन नेत्रों का प्रतीक है बेलपत्र, अतः तीन पत्तियों वाला बेलपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रभु आशुतोष के पूजन में अभिषेक व बेलपत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों ने कहा है कि बेलपत्र भोले भंडारी को चढ़ाना एवं 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल एक समान है। भगवान के तीन नेत्रों का प्रतीक है बेलपत्र। शास्त्रों के मुताबिक शिव पूजा में 1 आंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर फल देता है। भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे पुराणों में जहां धार्मिक कारण बताया गया है, वहीं इसका वैज्ञानिक आधार भी है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यह अत्यंत ठंडा क्षेत्र है जहां ऐसे आहार और औषधि की जरूरत होती है जो शरीर को उष्मा प्रदान करे। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है, जबकि धार्मिक दृष्टि से इसका कारण देवी भागवत पुराण में बताया गया है। इस पुराण के अनुसार शिव जी ने जब सागर मंथन से निकले हलाहल विष को पी लिया तब वह व्याकुल होने लगे। तब अश्विनी कुमारों ने भांग, धतूरा, बेल आदि औषधियों से शिव जी की व्याकुलता दूर की। उस समय से ही शिव जी को भांग धतूरा प्रिय है। शिवलिंग पर केवल धतूरा ही न चढ़ाएं बल्कि अपने मन और विचारों की कड़वाहट भी अर्पित करें। शिव हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होती है, इससे वे हमेशा परमानंद में रहते हैं। समुद्र मंथन में निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया। भगवान को औषधि स्वरूप भांग दी गई, लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और नकारात्मकता को आत्मसात किया, इसलिए भांग भी उन्हें प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि इस संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मक चीज को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों की विष से रक्षा करते हैं। भगवान शिव का प्रिय मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम, यानी जो कपूर के समान उज्जवल है। कपूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। भगवान भोलेनाथ को इस महक से प्यार है, अतः कपूर शिव पूजन में अनिवार्य है। श्रावण मास में दूध का सेवन निषेध है। दूध इस मास में स्वास्थ्य के लिए गुणकारी के बजाय हानिकारक हो जाता है, इसलिए श्रावण मास में दूध का सेवन न करते हुए उसे शिव को अर्पित करने का विधान बनाया गया है। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा न हो। इसका रंग सफेद होता है। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। किसी भी पूजन के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अक्षत न हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। यहाँ तक कि पूजा में आवश्यक कोई सामग्री अनुपलब्ध हो तो ऐसे में चावल भी चढ़ाए जाते हैं। चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण और खिल जाता है। यदि शिव जी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान सम्मान यश बढ़ता है। भस्म इसका अर्थ पवित्रता में छिपा है। वह पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहते हैं शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता। ना उसके दुख, ना सुख, ना कोई बुराई, ना ही कोई उसकी अच्छाई बसती है, इसलिए वह राख पवित्र है। उसमें किसी प्रकार का गुण अवगुण नहीं है। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। एक कथा यह भी है कि पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ ही रहे।
भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा पार्वती जी से कही। एक समय भगवान शिव जी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया, तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंख बंद की। तब उनके नेत्र से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे, उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वे शिव की इच्छा के भक्तों के हित के लिए समग्र देश में फैल गए। उन वृक्षों पर जो फल लगे वही रुद्राक्ष हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।